पिछले कुछ सालों में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने साथ हुए गलत व्यवहार को मीडिया के सामने साझा किया है। अब ऐसे इस लिस्ट में एक एक्ट्रेस का नाम और जुड़ गया है। इस एक्ट्रेस ने अपने कॉलेज से जुड़े एक भयानक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। दरअसल हाल ही में एक वीमेन हेल्थ मैगजीन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस कैमिला मेडिट्स ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। कैमिला ने कॉलेज के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, कॉलेज में पहला साल काफी मुश्किल था, मैंने काफी बुरे अनुभव किए। इसके आगे कैमिला ने कहा, एक शख्स ने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ गलत व्यवहार किया। एक्ट्रेस ने इस घटना के बारे में और अधिक बात नहीं की और कहा कि इस घटना के बाद से ही उन्होंने तय किया था कि वे खुद को सुरक्षित और कंफर्टेबल करने के लिए जिंदगी में सब कुछ करेगी। आपको बता दें कि कैमिला मेडर्स नेटफ्लिक्स की सीरीज रिवरडेल में नजर आ चुकी हैं और इस घटना के बाद से ही उन्होंने अपनी पीठ पर टैटू बनवाया था। इस टैटू में लिखा है टू बिल्ड अ होम। इस टैटू के बारे में कैमिला कहती है कि उन्हें याद दिलाता है कि सिर्फ खुद को नहीं बल्कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण को भी मजबूत बनाना होगा। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वो अपने फैंस के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती है, साथ ही वो चाहती है कि हर किसी में, हर जगह पर, हर इंडस्ट्री में सुधार किया जाए और जागरूकता फैलाई जाए। एक्ट्रेस के मुताबिक कॉलेज के दिनों में उनके साथ हुए गलत व्यवहार को लेकर इस तरह की जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमिला कहती है, कॉलेज के दिनों में मैं एक ऐसी टीन एजर थी जिसके पास बॉडी और पॉजिटिविटी के मामले में कोई रोल मॉडल नहीं था। उस वक्त इसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अच्छी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये ज़रूरी है कि आप कैसे दिखते हैं। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें चुननी चाहिए जो हमारे लिए सही हो, हमारे शरीर के लिए सही हो, हमारी आत्मा और दिमाग के लिए सही हो। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।